है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट है ठीक है जैसा कि मैंने बताया ये सीरीज है और उस सीरीज का सेकेंड पार्ट है तो इसमें भी ट्वेंटी uh, क्वेश्चंस के नियर अबाउट क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन uh, लगाइए और आंसर के साथ हैं तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन uh, के साथ चलता हूँ उसके पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और नेक्स्ट वीडियो मिले जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फूड व्रैप्ड इन न्यूज़ पेपर इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड विथ जो न्यूज पेपर से फूड ब्रेप किया ब्रेट किया रहता है वो किस से कॉन्टामिनेट हो जाता है लेड से एलुमिनियम से मैग्नीज या मैग्नीशियम आपका ऑप्शन ए राइट है लेड से हो जाता है ठीक है पी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में विच एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक पता होगा आपको कौन सा एसिड स्टमक से सिक्रेट होता है क्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट नाइट्रिक एसिड आपका ऑप्शन है विटामिन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस जो माइक्रो ऑर्गेम को किल करता है विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन विटामिन प्रोटीन फैट्स ए कार्बोहाइड्रेट देखिए एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट भी देता है इंस्टेंट एनर्जी देता है फैट हमारे बॉडी में स्टोर रहता है तो वो ब्रेकडाउन uh, होता है और मैक्सिमम एनर्जी देता है तो आप फैट के साथ जाएंगे सी ऑप्शन राइट हो गया आपका ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विस डिजीज इज प्रिवेंट विद द हेल्प ऑफ साल्क वैक्सीन एंथ्रेक्स पोलियो सी ऑप्शन है चिकन पॉक्स एंड डी ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स साल्फ वैक्सीन किस में लगाते हैं बी पोलियो में ठीक है तो पोलियो इज अ राइट आंसर बी इज अ राइट आंसर साइंटिफिक नेम ऑफ माइंगो इज साइंटिफिक नेम ऑफ माइंगो क्या है पहला ऑप्शन है मैगी फेरा इंडिका बी कैंडविस कें, इंडिका सी एच आर डी चेड इंडिका और डी है करकुमा लौंगा तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे सही है चलिए नेक्स्ट प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फॉर्म प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम ए स्टार्च बी सुगर, सी एमिनो एसिड डी फैटी एसिड तो प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन कहाँ से होगा एमिनो एसिड तो सी ऑप्शन इज राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लांट एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रेट फ्रॉम सॉयल एंड कन्वर्ट इनटू देम। किसमें कन्वर्ट करता है फ्री नाइट्रोजन यूरिया अमोनिया प्रोटीन तो राइट right आंसर हो जाएगा ए फ्री नाइट्रोजन में ठीक है नाइट्रेट फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इनहेरिटेबल इनहेरिटेबल का मतलब होता है पेरेंट uh, से ट्रांसफर होके चाइल्ड में जाना मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर uh, होना तो एड्स एड्स बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है कलर ब्लाइंड ब्लाइंडनेस मेलिग्नेंसी या हेपेटाइटिस तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कलर ब्लाइंडनेस जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है एक इनहेटेबल डिजीज है वाई द डब्ल्यू बी सी आर कॉल्ड सॉलिड सॉलिडर्स ऑफ द बॉडी रक्षक ऑफ द बॉडी कहलाता है डब्ल्यू बी सी क्यों क्योंकि वो फाइट करता है बैक्टीरिया से क्योंकि वो फाइट करता है वायरस से सी ऑप्शन है डिफेंस द बॉडी एंड डी ऑप्शन है ऑल तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो राइट हैं ये डब्ल्यू बी सी तीनों से सुरक्षा प्रदान करता है तो डी ऑप्शन पे जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हेपेटाइटिस इज अ जनरल टर्म ऑफ डिजीज दैट काउेज बाई वायरस बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजेंस तो हेपेटाइटिस इससे होता है सिंपल ऑप्शन ए वायरस वायरस से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑप्शन ए कार्बन हाइड्रोजन ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रेट प्रोटीन में ये चारों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं या इनमें से कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं यही आपको बताना है आंसर में तो आपका ये चारों एलिमेंट प्रोटीन एक इंडिविजुअल प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन इनमें से कौन बोन का फंक्शन नहीं है नीचे ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस द मसल्स अटैचमेंट बी है प्रोटेक्शन ऑफ बाइटल ऑर्गन सी है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फॉर बोन और डी है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कारफसल्स तो आपका आंसर है सी सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन फॉर बोन ये फंक्शन बोन का नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग नो वैक्सीन इज ऐट अवेलेबल इनमें से किसकी किस डिजीज के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बना है नहीं अवेलेबल है स्मॉल पॉक्स मलेरिया मिसल्स मम्स तो मलेरिया ऐसा डिजीज़ है जिसके लिए अभी वैक्सीन नहीं बना है तो बी ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन ए माल्टोज फ्रक्टोज ग्लाइकोजन या ग्लाइसिन तो so, आपका राइट right आंसर हो जाएगा डी ग्लाइसिन ग्लाइसिन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ठीक है

कैंसर एड्स एंड एलर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा टेबरकुलसिस ए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथिस इन द बॉडी बाई इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आपका ऑप्शन है विटामिन डी विटामिन बी वन विटामिन ई एंड विटामिन के तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच हीमोग्लोबिन स्किन विटामिन सी स्कर्वी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वायरस एड्स तो आपका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन स्किन हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है स्किन में नहीं और विटामिन सी से स्कर्वी होता है सही है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एग्जांपल है वायरस से एच आई वायरस से एड्स होता है तो ये भी सही है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है तो एक साथ जाएंगे बी वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम एड्स बी ऑप्शन कोलेरा सी स्मॉल पॉक्स एंड डी ट्यूबरकुलोसिस तो आपका राइट right आंसर है डी ट्यूबरकुलोसिस डी ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलोसिस uh, के लिए दिया जाता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेशन फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन है फोटो रिस्पाइरेशन बी है फोटोलाइसिस एंड डी है लाइट सी है लाइट एंड ऑक्सीजन इंड्यूस ब्रेकडाउन एंड डी है ऑल अवेलेबल तो फोटो ऑक्सीडेशन ये तीनों प्रोसेस परफॉर्म हो में तीनों प्रोसेस परफॉर्म होता है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चलिए तो ये पार्ट सेकंड था पार्ट थर्ड के लिए हमारे साइट पे विजिट कीजिए और हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो उस पर अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू सो.